हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए द टेम्पेस्ट, जो कि विलियम शेक्सपियर का लिखा बहुत ही फेमस ड्रामा है, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ। आई होप ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? आपको ये बताना है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब देखिए, विलियम शेक्सपियर का जन्म बहुत ही फेमस है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन। स्ट्रैटफोर्ड जो है वो एक जगह है और एवोन एक नदी है। तो एवोन नदी पर स्थित स्ट्रैटफोर्ड कस्बे में उनका जन्म हुआ था। तो आंसर है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, द टेम्पेस्ट इज प्रॉबरली द प्ले दैट शेक्सपियर रोट बाय हिमसेल्फ। अब कई लोग कहते हैं कि शेक्सपियर का आखिरी प्ले कोई और है, लेकिन जो स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड कंपेनियन वगैरह, वो ये कहते हैं कि सर प्रोबली है, एक संभावना है कि शायद लास्ट प्ले जो है वो टेम्पेस्ट है। ये कुछ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने उनके कॉन्टेक्स्ट को पकड़ने की कोशिश की है। अंदर के जो क्वेश्चन है वो इसके बाद हैं। व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ रियल वर्ल्ड टेम्पेस्ट दैट शेक्सपियर ड्रा अपॉन व्हेन राइटिंग द प्ले? तो रियल वर्ल्ड में ये शायद कहते हैं कि सर ये बरमुडा के पास कोई जगह थी जहाँ पर शेक्सपियर ने जब रियल वर्ल्ड का टेम्पेस्ट सोचा था। सम आस्पेक्ट्स ऑफ द प्ले हैव द फीलिंग ऑफ अ हाईली सेटलाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। कि ये जो आपको पता है कि एलिजाबेथन एज जो थी वो एक प्रोस्परस और पीसफुल एज थी। जब भी कोई कंट्री प्रोस्परस पीसफुल होती है उस कंट्री के अंदर, तब कुछ स्पेशल टाइप के लिटरेचर लिखे जाते हैं, जिनमें से एक खासम खास लिटरेचर है जिसका नाम है मास्क। अब मास्क क्या होता है? तो मास्क में आपको बता दूं कि मास्क में क्या होता है कि हीरो हीरोइन जो है ना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं वो आंखों पे कुछ लगा के और वो डांस करते हैं, ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। क्यों आप बताओ भी, एक मास्क का मतलब है 3-4 बार उस नाटक में मास्क चेंज हुए, 50-100 करेक्टर होते हैं, तो उन सबको वो ऐसा कॉस्ट्यूम देना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और बाद में मास्क लिखने बंद ही हो गए, फिर कोई इक्का दुक्का मास्क जिसे लिखे जाने लगे। लेकिन जो एलिजाबेथन एज थी एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा मास्क लिखे जा रहे थे, और इसीलिए क्या, इसके अंदर जो कुछ गाने वाने हैं ना वो मास्क की फॉर्म ले आते हैं। ये तो हुए सर हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन। एंड इन द टेम्पेस्ट द मैजिकल करेक्टर दैट गिव्स अप हिज आर्ट बीन ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज रेफरिंग टू विच रियल वर्ल्ड फिगर। आपको पता है, अगर आपने टेम्पेस्ट पढ़ा हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इससे पहले मैंने टेम्पेस्ट पर एक शॉर्ट समरी बना रखी है, एक मैंने टेम्पेस्ट पर लॉन्ग समरी बना रखी है, आप वो जरूर देख लीजिए ताकि आपको सारा टेम्पेस्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो टेम्पेस्ट के अंदर क्या होता है, लास्ट में प्रोस्पेरो जो होता है वो अपनी मैजिकल पावर छोड़ देता है। उसी एंगल में हम ये कहते हैं कि सर इसके बाद में शेक्सपियर ने भी अपनी मैजिकल पावर्स छोड़ दी थी। इसका मतलब ये है कि टेम्पेस्ट जो है कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल है। नेक्स्ट है सर, हुम डज कैलिबन मिस्टेक फॉर वंस वन ऑफ प्रोस्पेरो स्प्रिट सेंट टू टॉर्मेंट हिम? इनमें से किसको कैलिबन ने ऐसा गलती से ऐसा समझ लिया था कि ये प्रोस्पेरो की भेजी हुई कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है, जो कि मुझे टॉर्मेंट करने, मुझे परेशान करने, मुझे तंग करने आई है? स्टीफन, फर्डिनेंड, मिरांडा, ट्रिंक्यूलो। तो ये सर जो ट्रिंक्यूलो है ना सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर तो नहीं है साहब, लेकिन इस पर क्वेश्चन बड़े बढ़ते हैं कि ट्रिंकुल्लो जो था उसे कैलिबन ने ये सोच लिया कि शायद ये मुझे तंग करने के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रोस्पेरोस टाइटल बिफोर हिज पोजेशन वाज अजर्ब्ड एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इटली? कि अजर्ब्ड मतलब होता है जब प्रोस्पेरो
इससे पहले जब उसकी पोजीशन को कब्जे में कर लिया गया, हड़प, अजर्प का मतलब होता है, शुद्ध मतलब है हड़पना, कि जब जो प्रोस्पेरो की पोजीशन को हड़प लिया गया और उसे इटली भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, उससे पहले प्रोस्पेरो का टाइटल क्या था? तो आपको बता दूं भैया कि प्रोस्पेरो का जो टाइटल था वो ड्यूक ऑफ मिलान थे। वो उन्हें इटली से भागने से पहले वो इटली का राजा था, ड्यूक ऑफ मिलान था। नेक्स्ट है सर, फ्रॉम विच कंट्री इज अलास्को शिप रिटर्निंग वाइल इट इज कॉट इन टेम्पेस्ट? देखिए, अलास्को का जो जहाज है वो किस देश से आ रहा था जब वो तूफान में फंस गया? तो सर आंसर है ट्यूनिस। छोटे छोटे से क्वेश्चन है सर, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इन 55 क्वेश्चनों में आपको जरूर हमारे सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। नेक्स्ट है सर, हाउ लॉन्ग हैव प्रोस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन देयर आइलैंड? प्रोस्पेरो और मिरांडा कितने सालों से उस टापू पे थे? तो आंसर है सर, वो पिछले 12 साल से उस टापू पे थे। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था, प्रोस्पेरो मिरांडा 12 साल से वहां थे। वट वॉज द नेम ऑफ कैलिबन्स मदर? कैलिबन की माँ का क्या नाम था? तो उस चुड़ैल का नाम था सिकोराक्स। सिकोराक्स कैलिबन की माँ थी। ओवर हाउ मैनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस? टेम्पेस्ट का जो ये टेम्पेस्ट प्ले है, इस ये कितने दिन तक चलता है, कितने दिनों में इसका जो सारे एक्शन है वो पूरे हो जाते हैं? तो सर आंसर है वन डे, एक ही दिन में सारा एक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। विच मिथिकल फिगर्स अपियर इन द वेडिंग मास्क प्रोस्पेरो स्टेज्ड फॉर मिरांडा एंड क्यू फर्डिनेंड? तो कौन कौन सी मिथिकल मतलब पौराणिक, फिगर मतलब शख्सियत, कौन कौन सी पौराणिक शख्सियत जो होती हैं वो उस वेडिंग मास्क में आती हैं जो प्रोस्पेरो मिरांडा और फर्डिनेंड के लिए प्रेजेंट करता है? तो आंसर है सर, सिरेस, आयरिस एंड जूनो, ये तीनों जो हैं मिथिकल फिगर जो हैं ये वहां आती हैं। नेक्स्ट है सर, विच करेक्टर इज प्रोस्पेरोस ब्रदर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर, और मैंने इसको पहले भी बताया था कि एंटोनियो जो है, जिसका जहाज ट्यूनिस देश से वापिस आ रहा था, वो प्रोस्पेरो का भाई है। विच करेक्टर इज सेबेस्टियंस ब्रदर? अब देखिए, सेबेस्टियन का भाई कौन है? तो वो है सर अलोंसो। अलोंसो जो है वो सेबेस्टियन का ब्रदर है। व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्लेस फाइनल सीन? जो प्ले के आखिरी फाइनल सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड हमें क्या करते हुए दिखाई देते हैं? तो आखिरी में सर दोनों राजा महाराजा हैं, मिरांडा ड्यूक ऑफ एक्स मिलान की बेटी है और फर्डिनेंड ड्यूक ऑफ प्रेजेंट मिलान का बेटा है। तो राजा महाराजा क्या है, वो शाही गेम खेलते हैं, यानी कि चेस। वो चेस खेल रहे थे जब हम आखिरी सीन में उन्हें देखते हैं। नेक्स्ट है सर, व्हाट शेप डिड एरियल अज्यूम एट द मैजिकल बैंक्वेट इन एक्ट थर्ड, सीन थर्ड? एक्ट थर्ड के सीन थर्ड में जो जादुई बैंक्वेट होता है, उसमें बैंक्वेट में एरियल कौन सी, किस प्रकार का रूप अज्यूम करती है? तो आपको पता है सर, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है सर, वो हार्पी का जो शेप है वो लेती है। व्हाट डू प्रोस्पेरो एंड एरियल सेट आउट एज बेट फॉर कैलिबन, ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो? कैलिबन, ट्रिंक्यूलो और स्टीफेनो के लिए
प्रोस्पेरो और एरियल क्या चारा इस्तेमाल करते हैं? बेट मतलब होता है सर चारा, क्या जाल बिछाते हैं? तो सर वो क्या करते हैं, वो उनके लिए एक ग्लिस्टरिंग अपैरल, एक चमकता हुआ अपैरल मतलब ड्रेस, एक चमकती हुई ड्रेस उनको दिखाते हैं जिससे कि वो उनके जाल में फंस जाते हैं। नेक्स्ट है सर, व्हाट डज कैलिबन से मस्ट बी डन बिफोर प्रोस्पेरो कैन बी किल्ड? तो कैलिबन क्या कहता है कि प्रोस्पेरो के मरने से पहले क्या जरूर कर देना चाहिए? तो वो कहता है कि हिज बुक्स मस्ट बी सीज्ड, उसकी जो मैजिकल बुक्स है ना उन्हें हमें जरूर अपने कब्जे में कर लेना चाहिए जब तक प्रोस्पेरो मरे उससे पहले। व्हाट इज द नेम ऑफ अलांसोस डॉटर, अलांसो की बेटी का क्या नाम है? क्लैरीबेल, क्लैरीबेल नाम है सर अलांसो की बेटी का। व्हाट डज प्रोस्पेरो गिव एज हर रीजन फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली? कैलिबन को के साथ बुरी तरह व्यवहार करने के लिए प्रोस्पेरो क्या तर्क देता है? क्या कैलिबन ने उसे मारने की कोशिश की, कैलिबन ने बुक्स को चुराने की कोशिश की, कैलिबन एक मियरली ए बीस्ट एक जानवर है, या कैलिबन अटेम्प्ट टू रेप मिरांडा, कैलिबन ने मिरांडा से रेप की कोशिश की? तो कौन बाप अपनी बेटी के साथ रेप करने वाले को छोड़ेगा? कैलिबन ने मिरांडा से रेप की कोशिश की थी। हु हेल्प्ड प्रोस्पेरो एंड मिरांडा टू फ्ली इटली? मिरांडा और प्रोस्पेरो को इटली से भागने में कौन हेल्प करता है? तो उनका जो एक्स मंत्री होता है गोंजालो, वो उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट सर, वेयर डज एरियल पुट द मैरिनर एंड बोट्सवेन आफ्टर द टेम्पेस्ट? मैरिनर और बोट्स चलाने वालों को एरियल टेम्पेस्ट के बाद कहाँ रखता है? तो सर आंसर है कि वो इन्हें थिकेट में रखता है, अंडर कैलिबन्स क्लॉक, कैलिबन के कप की क्लॉक में रखता है, या असलीप इन द शिप इन द हार्बर, उन्हें हार्बर में जहाज में बंदरगाह में जहाज में सुलाए रखता है, या प्रोस्पेरो की सेल में रखता है, प्रोस्पेरो के रूम में रखता है। तो आंसर है उन्हें हार्बर में सुलाए रखता है। नेक्स्ट है सर, वेयर डिड स्काइरोक्स इम्प्रिजन एरियल, सॉरी सिकारोक्स ने एरियल को कहां बंदी बनाया? सिकोरोक्स ने एरियल को कहां बंदी बनाया? इनने अदर आइलैंड किसी दूसरे द्वीप पर, इनने क्लोवन पाइन पाइन के पेड़ में, इनने लॉयंस डैन शेर की गुफा में, इनसाइड ए स्टोन किसी पत्थर के अंदर। तो आंसर है सर इनने क्लोवन पाइन पाइन पेड़ के अंदर। व्हाट टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनेंड फोर्स टू परफॉर्म? कैलिबन और फर्डिनेंड को किस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है? मैरिंग मिरांडा, मिरांडा से शादी के लिए, सिंगिंग ड्रंकली, शराब पीकर गाने के लिए, कलेक्टिंग बेरीज, बेरीज इकट्ठी करने के लिए, कैरिंग वुड्स या वुड्स लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए। तो कैरिंग वुड लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। Who persuaded Sebastian to try to kill Alonso? Sebastian को Alonso को मारने के लिए की कोशिश करने के लिए कौन फुसलाता है? Antonio जो हैं वो Sebastian को फुसलाते हैं कि तू Alonso को मार दे। What does Prospero intend to drown after he reconciled with his enemy? जब वो अपने
दुश्मनों के साथ रिकंसाइल कर लेगा, तब प्रोस्पेरो किसे डुबाने की सोचता है? हिज मैजिक गारमेंट, उसके जो जादुई कपड़े हैं उनको, हिज बुक्स, उसकी बुक्स को, हिज स्टाफ या कैलिबन को। तो सर आंसर है बुक को, वो अपनी बुक, जो मैजिकल बुक्स है ना, उन्हें डुबाने की सोचता है। व्हाट डज कैलिबन से इज हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज? कैलिबन के अनुसार भाषा सीखने का सबसे बड़ा फायदा उसे क्या हुआ है? आंसर है ही नोज हाउ टू कर्स। अब उसे गालियां निकालनी आ गई हैं। ही कैन शो प्रोस्पेरो द क्वालिटीज ऑफ द आइल, वो प्रोस्पेरो को आइलैंड की क्वालिटीज दिखा सकता है। ही कैन वू मरिंडा, मरिंडा से भी शादी कर सकता है। ही कैन सिंग विद ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो, वो ट्रिक्यूनो और स्टीफेनो के साथ गा सकता है। तो सर आंसर है ही नोज हाउ टू कर्स। अब उसे पता चल गया है कि गालियां कैसे निकालनी है। नेक्स्ट है सर, विच करेक्टर डू स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो मोस्ट क्लियरली पैरोडी? स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो किस करेक्टर की सही तरह से मजाक उड़ाते हैं? प्रोस्पेरो एंड मिरांडा, कैलिबन एंड सिकोरेक्स, अलांसो एंड गोंजालो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। एंड आंसर इज एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, वो उनकी स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो मजाक उड़ाते हैं। व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रोस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म? एरियल को प्रोस्पेरो आखिरी काम क्या सौंपता है? टू रिलीज सिकोरेक्स, टू होल ए लोड ऑफ वुड, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, टू टेक चार्ज ऑफ कैलिबन। सिकोरक्स को आजाद कर दो या हवाएं, जब जहाज इटली वापस जाए तो हवाएं बड़ी शांत होनी चाहिए, कैलिबन का ध्यान रखें। तो सर आंसर है जब वो जाए तो टू गिव द फ्लीट, जहाजी बेड़े को अच्छी हवाएं मिले या शांत समुद्र मिले, काम सीज, शांत समुद्र मिले सर उसको। वी आर टोल्ड दैट वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर हैज विजिटेड इंग्लैंड, हमें ये भी बताया जाता है इन चारों, स्टीफन, प्रोस्पेरो, ट्रिंक्यूलो, अलांसो, इनमें से एक करेक्टर इंग्लैंड गया है। कौन सा करेक्टर है सर? तो है सर ट्रिंक्यूलो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।